गुरुवाणी मैं आपको सुनाऊं। उसके पहले कुछ बातें हमको जान लेना जरूरी है। और पहली बात तो ये, बाबा रामदेव जी महाराज ने अपने 24 प्रमाण में सबसे पहले गुरु प्रमाण ही लिखा है, क्योंकि हर इंसान को गुरु की जरूरत तो पड़ती है। क्योंकि चोर चोरी भी करे तो वो झिकाकन सीखे नहीं, उन्होंने गुरु माने हैं। तुम तो हमारा गुरु है, और अपन भी कानी करो का गुरु बहुत तगड़ा है यार, देखो तो सही, हाथ की हथेली पे ऊंट गायब कर दी। गुरु बहुत तगड़ा है। पंडित जी कने जावा तो पंडित जी के कि भैया तुम्हारा गुरु जो है वे दूसरा घर में है, तुम्हारा गुरु रूठिया हुआ है, या तुम्हारा गुरु मजबूत नहीं है, तुम्हारा गुरु हल्का है, जिसका कारण तुम्हारे तकलीफ है। और निश्चित मानिए कि पंडित जी की बात बिल्कुल ठीक है। और उना चोर की भी बात बिल्कुल ठीक है कि जिसका गुरु हल्का रहे उसका जीवन में बहुत तकलीफ रहा करे है, और जिसका गुरु मजबूत होया करे है वो इन्हीं दुनिया में वास्तव में हथेली का ऊपर से ऊंट गायब करने की भी ताकत रखते है। यो सब गुरु से ही होया करे। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं अब देखो आपको, आप YouTube पर मुझे सुनते होंगे तो जिनने सुना है, जिनने पूरा पूरा सुना है उनको पता लग गया होगा कि मेरा स्वभाव क्या है। मैं तो खाता भी इसको ही हूं, पीता भी इसको ही हूं, सोता भी इसको ही हूं, जागता भी इसको ही हूं, और जीता भी इसको ही हूं। इकालिए मारे केने में कोई लाज और शर्म नहीं है साहब, मैं मालवा को रहने वाला व्यक्ति हूं, इंदौर को, और हमारी जो खड़ी भाषा और खड़ी जो बोली है उकमे में ज्यादा बात करूं है, और उकमे बात करी काम की बहुत लाजमी बात है। कि देखी लो इनके दादा के, देखी लो, कोई बुरा मत मानना, आप कहें तो मैं सच कहूं, नहीं तो मैं कोई दिक्कत भी नहीं मुझे, मैं तो मीठी मीठी बात करके चला भी जाऊंगा यहां से। और केवल इनकी बात नहीं, यहां इतना साउंड लगा है, कान का पास में ही बज रही हो, बिल्कुल बज रहा है, सच बात हो तो जवाब देना, कान के पास में बज रहा है, लेकिन वहां दूर से कोई दो चार व्यक्तियों की आवाज आ रही है तो सबका मुंडा आई से हुई फिरी है। सोचिए आपकी प्रभाव कितना है, संसार का प्रभाव कितना है, और आध्यात्म का प्रभाव कितना है। हम आध्यात्मिकता में रहते तो जरूर है, लेकिन होने के बाद भी वहां होते नहीं है। हम सत्संग में जाते जरूर हैं, लेकिन सत्संग में जाने के बाद भी हम सत्संग में पहुंचते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें खाली खोका के लीजें धरने से काम चलने वालों नहीं है। शादी ब्याह में हम देखते हैं, शादी ब्याह में पांडाल लगाते हैं बहुत बड़ा, तो दरवाजे के मेन गेट के दोनों तरफ दो फुतड़े खड़े करते हैं, देखे होंगे फुतड़े उनको आपने, वो हाथ जोड़ के खड़े हैं, कोई का माथा पे से पानी पड़ी रही है तो कोई का मुंडा में से पानी पड़ी रही है, कोई स्वागत के लिए, कोई कोई गुलाब को फूल लेके खड़िया। उस पुतले में और हम में कोई अंतर नहीं है। अगर हम जहां बैठे वहां अगर हमारा ध्यान, हमारी चेतना, हमारी समझ अगर वहां नहीं है तो उस पुतले में और हम में कोई अंतर नहीं है। और सदगुरु कबीर कहते हैं कि मुझे जिंदा लोगों की जरूरत है, मुझे मुर्दा लोगों की जरूरत नहीं है। इस बाबा को जीवते लोगों की जरूरत है, मुर्दा लोगों की जरूरत नहीं है। इस मंदिर को, इस धर्म को किसकी जरूरत है, जिंदा लोगों की, मुर्दा लोगों की नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि साधु और शेर का एक मतलब आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि शेर जो होता है, शेर वो कभी लाश को नहीं खाता,
मरे हुए जानवर को नहीं खाता। भूखा रहेगा मंजूर है, दो दिन चार दिन छह दिन भूखा रहेगा, लेकिन जब भी खाएगा तो जिंदे को मार के ही खाएगा। ऐसा ही साधु का स्वभाव है, ऐसा ही गुरु का स्वभाव है। गुरु की वाणी भी उसी के जीवन में असर करेगी जो जिंदा है। जो मरिया हुआ है उनका मुंडा में भले घी खोड़िया करो कि भले घी मसिया करो, कहीं काम को नहीं है। हमने देखा है शमशानों में महंगा महंगा कपड़ों का ऊपर, लाश का ऊपर फेंक दिया जाए, जबकि पतो है अपने की का कहीं भी काम की नहीं है। उके फूल से डांट दे, लेकिन जिंदगी में कभी एक बार भी नहीं पूछे कि काका जी तुम्हारा कहीं हाल चाल था। तो यहाँ तो कदर जिंदे की है, मुर्दे की कदर नहीं है। और ये भजन, ये सत्संग, ये वाणी, ये गुरु के वचन किसके लिए है? जिंदे लोगों के लिए। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, साधु और शेर का एक मता, जो जीवत ही को खाए और भावहीन मर्तक दशा ताके निकट न जाए। कोई इनसे पूछो कि यार शेर अचानक आई जाए तो कहीं करनो, तो बोले कहीं नहीं करनो, जमीन का ऊपर लेटी जानो, सांस के रोकी लेनो और हल्लो डोलो नहीं। बोले क्यों? तो बोले शेर को ये पता लग जाएगा, क्योंकि शेर मरे हुए के पास में नहीं जाता है। वो समझेगा ये मरा हुआ, अपने को निकल लो, अपने क्या लेना देना, अपने को काम किससे है? जिंदे लोगों से। इसलिए सदगुरु कबीर की वाणी, संतों की वाणी, ये गुरु वाणी, ये बाबा रामदेव जी के प्रमाण, ये किसके लिए है? जिंदा लोगों के लिए। इसलिए आइए, सतगुरु कबीर कहते हैं कि महाकष्ट जब पड़ेगा तेरे तो कोई ना आड़ो आई। जब आंख में जाले पड़ जाएंगे, नाक टेढ़ी हो जाएगी, कमर झुक जाएगी, घर का कोना में पड़िया पड़िया हम पानी मांगता रहेगा, औलाद निकल जाएगी, उका बीवी बच्चा ख्याल भी नहीं रखेगा, उस समय में कबीर कहते हैं कि तेरी मदद करने वाला कोई नहीं। बोले फिर क्या करें साहब? तो बोले ध्यान दे करके सुन ले, महाकष्ट जब पड़ेगा तेरे तो कोई ना आड़ो आई। ये भाई बंधु कुटुंब कबीला ये सभी मुंडो छिपाई, पर सतगुरु देख के दूर खड़ा हो भाग जाए जमराई, मन तू गुरु कर ले मेरे भाई। क्या करेगा? बोले सच्चे गुरु को कर ले तो तेरे परिवार तो ठीक ही ठीक है, वो काल भी तेरा बाल बांका ना कर सकेगा। इसलिए आइए क्या करें, जन्म जन्म का काटे मोर्चा और प्रीत पुरबली पाले, तू गुरुदेव ने ध्याले, लेकिन एक संकट बहुत बड़ा हमारे सामने खड़ा है, आप और हम सबके सामने और सारी दुनिया के सामने। पता है क्या? गुरु तो करे, लेकिन गुरु करे किसको? क्योंकि सतगुरु कबीर कहते हैं कि पैसा सेती गुरु घना, कोड़ी का पचास, राम नाम बेचत फिरे और करे शिष्य की आस। कि क्या गुरु बनाए वो? इस दुनिया में तीन तरह के गुरु हैं, किसी ने नहीं बताई होगी आपको ये बात, मुझे लगता है ऐसा, और अगर सुना हो कहीं तो बहुत अच्छी बात, बाबा की कृपा। तीन तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक गुरु होते हैं पेट के खातिर, काय के खातिर? पेट के खातिर, कि आज जामनिया गांव में चली रहा है तो पंकज आज की रोटी को काम तो यहां हो जाए, सवेरे अगर 9-10 बजे तक रुक गया तो शर्म मारते रोटी तो खवाएगा इसे, क्योंकि यार बाल बड़ा गुरु है। तो दो टेम की गरज सरी आई, आने एक दो दिन रुकी जाएगा जब तक कहीं फर्क भी नहीं पड़नो है, आने चलांगा जदे थोड़ो काठो मिठो मन करांगा तो थोड़ा घना पैसा भी दे देगा। एक गुरु होया करे पेट का खातिर, एक गुरु होया करे भेंट का खातिर, कि कोई गांव में जाएगा वहां की जगह चेला चपाटी बनाई लिया तो उनका घर जाएगा तो लत्ता कपड़ा कर देगा और झट रुपया नायल की भेंट भी कर देगा। ये दो तरह के गुरु। और तीसरा गुरु जो होता है उसको ना पेट से मतलब होता है ना भेंट से मतलब होता है, वो सीधा ठेठ की बात है। तुम्हारी मर्जी, खाना खिलाओ मत खिलाओ, पानी पिलाओ मत पिलाओ,
कोई नमस्कार करो मत करो, उसको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन वो जिसके लिए भी बात करेगा, जिसके लिए भी उसका हाथ खड़ा होगा, वो आशीर्वाद के लिए ही खड़ा होगा। वो कभी किसी को लूटेगा नहीं, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, छल नहीं करेगा, ढोंग नहीं करेगा, आडंबर में नहीं फंसाएगा, वो गुरु। लेकिन हम अंधे लोग हैं, हम अंधे लोग हैं। गांजा सुल्फा अमल तमाकू भंग को रंग चढ़ावे, नीची पलक नशा में राखे जाने गुरु बतलावे। हम किसको गुरु मानते हैं पता है? जो गांजे की दो चार चिलम पी के आंख बंद है, नशे में आंख नहीं खुल रही जिसकी, और अपने को ये लगता है कि गुरुजी तो ध्यान में बैठा है यार, ये गुरु सही है। क्योंकि जब जाता हूं जब ध्यान में ही बैठे रहते हैं, जबकि हमको ये नहीं मालूम कि ये ध्यान में नहीं बैठे, वो काका जी ने गांजा पी लिया, वो नशा आंख नहीं खुलने दे रहा उसकी। इसलिए शब्द रूपी सतगुरु की सेवा करना है। किसकी? शब्द की। और शब्द क्या कह रहा है? एकदम सीधा सा कहना है, इस बात में कोई लीपा छाबी नहीं है, कुछ मिक्स नहीं है, सीधा सीधा सा कहना है। क्या कहा? कर्म तो कट जाएंगे, लेकिन मैं दवा बताता हूं, वो दवा पीना पड़ेगा। सदगुरु कबीर कह रहे हैं, दवा है मेरे पास, मैं दवा दे रहा हूं, लेकिन वो पीना पड़ेगा। अब पिए गुण, हमको कलाड़ी से फुर्सत मिले तब, हमको ढोंग से फुर्सत मिले तब, हमको पाखंडवाद से फुर्सत मिले तब, हमको अनिति करने से फुर्सत मिले तब, हमको गलत संगति में बैठने से फुर्सत मिले तब। कबीर कहते हैं कि तीरथ व्रत विष बेलड़ी और तीन लोक रही छाए, और कबीरा मूल निकंदिया कौन हलाहल खाए। अगर हम ना समझी के साथ उपास करते हैं, उपास करते होंगे ना आप लोग भी, उपवास करते हैं, कोई कोई बीज का उपवास करते हैं। बाबा रामदेव जी की अभी 29 तारीख को बीज गई, उस बीज का उपवास करते हैं। बोले उपवास क्यों कर रहे हैं? बोले बाबा को जन्म हुआ, बहुत कष्ट उठाए उनने, तो तम भी बहुत कष्ट उठा रहा हो, उपवास करके कष्ट उठा रहे हैं आप। और ईमानदारी से आप विचार करना कि हमने उपवास तो किया, लेकिन उस दिन खाया क्या क्या। जबकि उपवास का मतलब होता है जहां हम हैं, जिस स्थिति में हम हैं, जिस माहौल में हम हैं, उससे ऊपर उठ के वास करना, उससे ऊपर उठ जाना। और उस दिन गलत विचार दिमाग में नहीं आना चाहिए, किसी के प्रति कपट मन में नहीं आना चाहिए, किसी के प्रति द्वेषता मन में नहीं आना चाहिए, ऊंचा और नीचा का ख्याल कभी मन में नहीं आना चाहिए, कोई बुराई मन में ना रहे। ऐसा एक दिन में बाबा तेरे लिए निर्मल हो जाऊंगा, कोरा हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कोई करता है? कोई नहीं करता। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि यार दवाई तो बता दूं, लेकिन तुझे पीना पड़ेगी। और क्या बताया? अभी 2 महीने पहले देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है कि हम चाहे किसी को कितना भी कहें किसी भी बात के लिए, उसको समझ सब आ रही है, लेकिन वो अपनी बात मानता नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, कोई सोया हुआ इंसान जो सच में सोया है, जो सच में गहरी नींद में है, आप समझना बात को, जो सच में गहरी नींद में है, आप उसको चिल्ला करके या उसको टल्ला लगा करके उसको एक ही आवाज में आप खड़ा कर सकते हैं। जो सही में सोया है वो हड़बड़ा के बैठ जाएगा, हाँ बोलो दादा कही हुई गयो, हाँ बेन कही हुई गयो।
अगर गहरी नींद में सोया है, ईमानदारी से सच्चाई से सोया है तो, लेकिन कोई सोने को अगर बहानो करतो हो, खाली ढोंग करे सोने को कि जबरदस्ती आंख मिचीन पड़ियो है, तो भले कितना ही खोता गड़ाया करो, उठने वालों नहीं। तो ये जिनको अपन हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि थोड़ा चुपका हो जाओ, थोड़ा छाना हो जाओ, उनके माला में ये की रहा है, पर अपने होड़ो नहीं है, क्योंकि इस सही में अगर जो इंसान होता, इंसानियत की भाषा के अगर समझता, मनुष्यत्व का अगर गुण होता, महापुरुषों ने लिखा है, येषा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिका भीतर इतनी सी बात नहीं है कि मारे कसो कहां बटनो चाहिए, अगर उके इतनी भी समझ नहीं पड़ी तो निश्चित समझिए कि वो इंसान की श्रेणी में नहीं है। वो दिखता जरूर इंसान के जैसा है, जिसके दिल में दया नहीं है, जिसके दिल में प्रेम नहीं है, जिसके दिल में समझ नहीं है। कबीर ने तो यहां तक कहा कि कोरो रही गोरे सीतड़ा, जो दीपक होता है मिट्टी का, दीपावली पे हम उसमें तेल भरते हैं और उसको जलाते हैं, वो 8 दिन 10 दिन तक दीपक उसमें तेल डालते रहते, वो जलता रहता है, लेकिन जब उसका तेल खत्म हो जाता है, दीपावली का टाइम खत्म हो जाता है, उस दीपक को उठा के देखना आप, उसमें रोज तेल भरा लेकिन फिर भी वो आधो कोरोन आधो तेल से लो। कबीर ने कहा कोरो रही गोरे सीतड़ा सदा तेल का संग, तुझे सतगुरु का सारा नहीं जो शब्द ना लागो अंग। अरे संगति भई तो क्या भया, हृदय भया कठोर, नदियों में देखो हजारों लाखों सालों से पानी पड़ा, पत्थर पड़ा हुआ पानी के भीतर, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, उनको निकालो आप और उनको फोड़ो तो भीतर से सूखा खट सूखा ही निकलेगा। कबीर ने देखा कि नदी में से पानी पत्थर निकाल करके उसको फोड़ के देखा तो वो तो सूखा खट। उनके मन में विचार आयो कि यह बात तो ठीक है बिल्कुल भैया, 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल हुई या सत्संग करते करते, भजन में जाते जाते, कथा सुनते सुनते, बाबा रामदेव जी के मंदिर में झाड़ू लगाते लगाते, भगवान राम जी के मंदिर में घंटी हिलाते हिलाते, ओम जय जगदीश हरे, लेकिन फिर भी मुंडा से ना गाड़ी मिटी, ना बीड़ी छुटी, ना तंबाकू की पिचकारी, जहां चुल्ला कर बैठे वही पिची, मंदिर में बैठे वही पिची। ये लोगों को देखना आप, जहां कथा सत्संग में जो ये दाएं बाएं बैठते हैं कि नहीं, इधर उधर अपन बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को देखना, कोई यहां बैठा है और कोई वहां बैठा है, तो वो बोलेंगे ना अपन, ले आए आई जा, अरे आई जा यहां जा, मैं तो यही ठीक हूं यार, वो के माला में कि यहां फंसी जाऊंगा चक्कर में तो पिचकारी का मारूंगा, अपने ताई अच्छो, ओ गुरु महाराज की जय हो, बाबा रामदेव जी की जय हो, पिची। संगति भई तो क्या भया, तेरा हृदय भया कठोर, अरे नो नेजा पानी चढ़े तो भी ना भिंजी कोर, पूरी जिंदगी निकल गई तेरी भजन करते करते, सत्संग करते करते, पूजा पाठ करते करते, टीका लगाते लगाते, जनेऊ पहनते पहनते, लेकिन तेरे जीवन में इतना भी फर्क नहीं पड़ा, तेरा दिल नरम हुआ ही नहीं, तेरे दिल में सितांगी नहीं आई है। अरे पक्का मकान ना में देखो यार, उन्हें पानी की तो तासीरी ऐसी रे कि भीतर चुल्ला कर सितांग फूट आवे, लेकिन अपन इंसान जीवता हुई के निर्जीव वस्तुओं में सितांग फूट सकती, लेकिन हम दिल वालों में सितांग नहीं फूटी आज तक प्रेम। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं कहे कबीर सत्संग किए न साहब माही समाई, ये सत्संग बड़ा संसार में न करो धारणा धार, अरे महापाप से छूट कर ए भाई हो जाओ भव पार। अभी 2 महीने पहले हम महाराष्ट्र गए थे, वहां पर बुआ साहेब का आश्रम है, और वहां पर पहले दिन हमने पहला भजन सुनाया था,
और वो भजन बहुत प्रसिद्ध हुआ कि उस भजन की वजह से मुझे कई प्रदेशों में जाना पड़ा। और भजन बहुत सिंपल था लेकिन उसमें एक शब्द था और उस एक शब्द का जवाब अभी तक लोग मुझसे मांग रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं। उस भजन में ऐसा कौन सा सवाल और जवाब था आप सुनिएगा। बहुत विचित्र खेल है इस दुनिया में, आप किसी को भी हल्का मत समझो, सब अपने अपने आप में गुरु बन बैठे हैं। ये केवल मेरी बात नहीं कि मेरे नाम के आगे लगा है गुरु तो मैं गुरु हो गया, जिनके नाम के आगे पीछे गुरु नहीं लगा वो भी पक्के ही गुरु है, लेकिन सब अपने अपने तौल तरीके से गुरु है। अपन दुकान पे जाओ, अपनी बहन बेटी ना दुकान पे जाई, सेठ के देखो आप, सफेद गद्दो बिछो है रहता है, वो आपको साड़ियां एक से एक दिखाएगा और साड़ियां दिखाने से पहले आओ हमारी बहन, आओ दादा, आओ काका जी, आओ पप्पा जी, आओ भैया, आओ बहन, आओ बेटी, आओ माँ जी, आओ दादी माँ। आप चाहे लाख बार मना कर दो नहीं भैया या नहीं जमीरी, लेकिन उसकी तरकीब देखो कि वो आपको साड़ी उसकी दुकान से दे के ही माने, वो आपको उसकी दुकान की साड़ी पहना के ही मानेगा और उसको मालूम भी है कि इससे कितने पैसे लेना है। आप भले कितने ही चिट्ठे हो लेकिन फिर भी वो उतने ही रुपए लेगा क्योंकि वो कभी नुकसान नहीं उठाया। सतगुरु कबीर कहने लगे सब गुरु हैं ये सब, योगी कहे तो योग कर। आप किसी के पास भी चले जाओ, योगी कहे तो योग कर, तपसी कहे तप से मरो, पंडित कहे तो यज्ञ कर, साधु कहे तीरथ करो, भोगी कहे तो भोग कर रे भोग मिलता भाग से, और त्यागी कहे तो त्याग दे रे भोग को बेराग। किसकी बात मानेंगे आप? बाबा रामदेव जी की सेवा करने वाले पुजारी के पास चले जाओ तो वो कहेगा चिंता मत कर तेरा बेड़ा पार कर दूंगा, टेंशन क्यों लेता मेरा बाबा मेरे साथ। राम जी का मंदिर में पंडित जी सेवा करने वाला हो, बीके बेटा चिंता क्यों करे, मेरे पास पंचांग है तेरी भाग्य रेखा, अभी हाल एक मिनट में पलट दूं मिला, तू आए मेरे पास इधर आ। सन्यासी के पास चले जाओ जंगल में, वो बोलेगा बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं मैं हूं। आजकल तो ऐसा ऐसा गुरु ही गया कि भी मोबाइल पे भी एड विज्ञापन आए उनका कि 3 किस्त में नाम मिलेगा, पहला रजिस्ट्रेशन कराओ फिर यो कराओ फिर वैसो कराओ। किसकी बात मानोगे आप? तो सतगुरु कबीर ने कहा कि किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है, जो 5 से 6 तत्व की बात करे उसकी बात सुन लेना, नहीं तो बात किसी की सुनना मत। लेकिन हमको 5 में ही मजा आता, इसलिए सतगुरु कबीर होशियार कर रहे हैं क्या। अच्छा देखिए, तन मन धन अर्पण करने की बात सतगुरु कबीर कहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने इसका एक जवाब दिया है। ये तो प्रश्न है उनका, इसका जवाब उन्होंने दिया है। आप कहें तो इस बात का जवाब मैं आपको सुना दूं। सुनना चाहेंगे इस बात का जवाब? पहले बताएं मुझे, हाथ खड़े करें। तो देखिए, क्योंकि ये सतगुरु का दरबार है, उस बाबा का दरबार है, और ये बहुत, मतलब मैं आपसे कह नहीं सकता, आप सबके चरणों में नतमस्तक हूं इस वजह से कि आप निश्चित रूप से शब्दों से प्रेम करने वाले लोग हैं, और वो भी इतनी संख्या में, और उसमें नौजवान अधिक है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नौजवान लोगों को इन शब्दों से मोह नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये प्रेम देखने में आ रहा है। ये उस बाबा की बहुत बड़ी रहमत और कृपा है आप सब लोगों पर, बाबा ये कृपा बनाए रखे। आपने देखा होगा कि जब गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे क्या देगा, क्योंकि गुरु को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, जब जाके बदले में नाम मिलता है।
तो कहा कि तन मन धन अर्पण सतगुरु को, पहले ये तन मन और धन अर्पण करना पड़ेगा, उसके बाद नाम मिलता है। अब यहां जितने गुरुमुखी लोग हैं और दुनिया में जितने गुरुमुखी लोग हैं, आपको क्या लगता है इनने तन मन और धन अर्पण किया है या अपन ने किया है? सदगुरु कबीर कहते हैं कि किसी से पूछो तू किसका चेला, तो फट आदमी नाम बोल देगा, मैं तो राधा स्वामी पंथ से हूं। तू बोले मैं कबीर पंथ से हूं, तू बोले मैं जय गुरुदेव से हूं। अच्छा, तो चेला किसका है? बोले कबीर साहब का। तू किसका चेला है? मैं तो राधा स्वामी जी का हूं। तू किसका है? बोले मैं जय गुरुदेव का है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं, ये ढोंगियों झूठ मत बोलो, सवाल खड़ा हो गया। बोले गुरुजी क्या बात कर रहे हैं साहब आप, हम झूठ बोल रहे हैं? बोले पक्का झूठ बोल रहे हैं। बोले फिर बताओ हम किसके चेले हैं? तो बोले तुम अपनी पत्नियों के चेले। किसके चेले हो? अपनी पत्नियों को। सब अपने अपने मन में ख्याल करना इस बात का, क्योंकि गुरु ने कहा था तन देना, मन देना और धन देना। विचार करना, हमने तन किसको दिया, मन किसको दिया? और जो गड्डी नोट की कमा के हम लाते थे, कभी अपना गुरु महाराज का फोटो का सामने कभी रात भर गड्डी धरी कोई ने धरी के गुरु महाराज यह गड्डी हमको मालूम है कि ये फोटो अपने राधा स्वामी जी का लगा या सदगुरु कबीर का लगा या बाबा रामदेव जी का लगा है, ये 1,00,000 रुपए की गड्डी अपन आज अनाज बेच के आए तो धर दो बाबा के सामने, लो बाबा ये आपको अर्पण, क्योंकि मैंने कहा था धन भी आपका, मन भी आपका और तन भी आपका। करा आज तक किसी ने? आएगो पेला तो लाएगो तो वो बेरा कदी के, लो पानी पानी के पट्टा पेला तो ये पकड़, पानी तो रेन दे पानी पीलू पेला यो या जोखम है एक समान चाहे लगा ढंग से ध्यान हिफाजत से हो। अरे चावे गुरु की शरण में तन मन धन सब दे, तू शिष्य तो जोरू को हो रहे हो अने नाम गुरु को ले, चेलो तो तू थारी बेरा को, क्योंकि पत्नी ने कहा उतना ही तूने किया। यार सत्संग था क्यों, गांव में सत्संग हुई रहे हूं चली जाऊं कहां जो मकर डर लागे, लेने चली मिली जाए अपना छोटा छोटा छोटा, अरे कहां सत्संग में लग गया तुम भी, यो बठो चाहे लाख परेशानी आ जाए आपको, अगर पत्नी कह दे कि महारा भाई को माथो दुखी रियो है, गोली इंदौर से ली जानी पड़ेगी या जामनिया में लेके आनी पड़ेगी, तो बंदो चाहे लाख तकलीफ हो लेकिन उनको केड़ो देखा उलांग दे। सैकड़ों सालों से सतगुरु कबीर ये कहते चले आए हैं कि दया को दिल में राखिए और तू क्यों निर्दय होए। अरे साहब के सब जीव है कीड़ी कुंजर सोई, क्या कहा कि दया के दिल में राख जे। सतगुरु कबीर की बात हमने नहीं मानी, लेकिन बेरा ने जो की दियो उई पक्को। माँ बाप का घर में हम 20 साल 22 साल 25 साल का होया, माँ बाप ने क्यों तो बेटा ध्यान रख, जरे तू बुढ़ापा को मारो सारो है, उनकी बात की ध्यान नहीं राखी। बेरा के आया के 4 महीना नहीं हुआ, लेकिन बेरा जो की दे वो सब पक्को। माँ बाप के भी तुम दाग दियो, माँ बाप के भी छोड़ दिया हमने, लेकिन हमने सच्चाई स्वीकार नहीं किया, इसलिए परंपरा ये बन गई। जी का कने जाऊ की दुकान को माल बेचने में तैयार, बीड़ी वाला कन बैठोगा तो वो बीड़ी की बात करोगे, या 30 नंबर अच्छी, ये चक्कर अच्छी, तो ये अनोपी, वो के जो नहीं यार मैं तो सिगरेट से ही काम लग, सिगरेट खांसी करे या ठीक रहे। दारू वाला का पास में बैठो तो वो के जो नहीं ये फालतू की चीजें, इंग्लिश फिंग्लिश नहीं पीना, अपन तो देसी लोग, अपने देसी अच्छी जियो जिसके पास।